बार मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा राहुल से कि वो दिखाएं कि कैसे प्रताप सिंह जो हैं वो एक एक करके कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। प्रताप जी, पहला रिएक्शन तो मैं ये लूंगा कि निकाय चुनाव, शहर की सरकार, भाजपा के गढ़, कई गढ़ ढहाए गए हैं इस बार, क्या बड़ा फैक्टर मानते हैं आप? मेरा ये मानना है कि इस देश में विनम्रता की, संवेदनशीलता की और सच्चाई की राजनीति हमेशा सक्सेस हो। देश में घमंड की भाषा, बड़बोलापन, बेतुकी बातों के लिए कोई जगह नहीं। बीजेपी के नेताओं में एक नया घमंड देखने में आया है। जो परिपक्व नहीं हुए वो भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महात्मा गांधी के विरुद्ध बोलते हैं, इंदिरा गांधी जी के विरुद्ध बोलते हैं, नेहरू जी के विरुद्ध बोलते हैं, आजादी के आंदोलन को चुनौती देते हैं और देश के इतिहास को बदलने की बात कर। इतिहास कैसे बदलेगा? इतिहास तो जो पहले हो गया वो हो गया, आपका तो कोई योगदान ही नहीं है, ना आजादी की लड़ाई में, ना धर्म को बचाने में। आपके जो नेता, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करता, उनको देश की जनता तो जानती नहीं, आप जानते हो सिर्फ। आप उनके नाम से योजनाएं लाते हैं तब तक तो ठीक है, आप जैसे इंदिरा जी का नाम लोगे तो लोग रिएक्शन होता है। और आप जो भी काम देश में होता, मान लो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया, तो उसे बीजेपी का क्या लेना देना है? कोई मतलब ही नहीं है। बीजेपी ने तो मरवा दिया था लोगों को, आंदोलन किया था, झगड़ा करवाया, झंझट हुआ, तभी ये लेट हुआ फैसला, नहीं तो कब का ही हो गया होता सुप्रीम कोर्ट में। राम मंदिर 370 ये मुद्दे नहीं चले हैं क्या? राम मंदिर और 370, राम का सम्मान है, राम का तो देश है भारत, हम तो राम के वंशज हैं, राम के बिना तो ये देश चलता ही नहीं। राम तो सबके हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब पे कृपा करते हैं राम। महात्मा गांधी का भजन है, चाहे वेद चाहे कुरान, सब में बसते राजा राम। लेकिन बीजेपी में कहीं भी नजर नहीं आते राजा राम, वोट में नजर आते हैं भगवान राम। तो बीजेपी की जो गणित है उसके मुंह पे भगवान राम ने भी थप्पड़ मारा है कि मैं राजनीति का हथियार नहीं हूं, लोगों को रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, आर्थिक मंदी से मुक्ति चाहिए, बेरोजगारी पर चोट चाहिए। लोग अब नाटक पे, घमंड पे वोट नहीं देंगे, बीजेपी को काम करना होगा। बीजेपी विपक्ष में है फिर भी बात इस तरह से करते हैं जैसे हम तो विपक्ष में है और वो सत्ता में है, इस तरह की घमंड है उनमें। हम हाथ जोड़कर जी न्यूज के जरिए मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान की जनता को कि आपने कड़ी से कड़ी जोड़ी है, हमको जिताया, उसके लिए हाथ जोड़कर धन्यवाद। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट, पूरी कांग्रेस राजस्थान की जनता को धन्यवाद देती है। 11 महीने के कांग्रेस के विनम्रता, संवेदनशीलता और सबको साथ चलने के काम को, सरकार के अच्छे काम पर मोहर लगाकर राजस्थान की जनता ने कांग्रेस की सरकार को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद दिया है। कोई घमंड नहीं, हम नहीं करते बीजेपी मुक्त की बात, बीजेपी अपना काम करे, हम अपना काम करें और हाथ जोड़कर भरोसा देते हैं, काम करेंगे जनता को मालिक मानकर, सेवा करेंगे राजस्थान की, कड़ी से कड़ी जुड़ी है, काम होते हुए पूरे स्टेट में आपको नजर आएगा, कोई घमंड नहीं होगा, कोई गलतफहमी नहीं होगी। ईडब्ल्यूएस को कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं? ईडब्ल्यूएस के आरक्षण में शुरू से मैंने विधानसभा में कहा था, उस वक्त अशोक गहलोत जी ने सबकी सुनवाई की, जमीन की शर्त, ईडब्ल्यूएस आरक्षण में यदि जमीन की शर्त नहीं हटाते हो तो किसी को मिलेगा ही नहीं। तो राजस्थान पैटर्न पूरे देश में केंद्र सरकार को लागू करना चाहिए। केंद्र सरकार कहती है हमने ईडब्ल्यूएस में आरक्षण दे दिया, तो भैया कांग्रेस ने भी वहां समर्थन किया था, सबने मिलकर दिया ये आरक्षण आर्थिक रूप से गरीबों को, आप इसमें श्रेय लेना चाहते थे, जमीन की शर्त हटा देते, जमीन की शर्त राजस्थान की सरकार ने हटाई है। राजस्थान के बच्चों को राजस्थान की नौकरियों में तो मिल जाएगा ईडब्ल्यूएस का आरक्षण, लेकिन उसमें नहीं मिलेगा केंद्र की नौकरियों में। अब राजस्थान पैटर्न जब बीजेपी लागू करेगी, केंद्र की सरकार मोदी जी लागू करेंगे, तब मिलेगा केंद्र की नौकरियों में। तो अब मैं बीजेपी से कहूंगा, वो चुनाव हार गए, हम जीत गए, लेकिन ये जीत हमारी नहीं है, ये सच्चाई, ईमानदारी, संघर्ष और राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से हमें जीत मिली है। ये जीत हमारी नहीं है, हम हमारे भरोसे नहीं जीत सकते कांग्रेस के कार्यकर्ता की। मीडिया जी की शुरुआत अच्छी नहीं हुई, मैं एक व्यक्तिगत उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं तो चाहता हूं अपने आप राजनीति करें, लेकिन मैं उनसे एक बात कहूंगा कि वो पहली बार अध्यक्ष बने लेकिन वो बोलते बहुत ज्यादा है। आज भी उनका बयान बड़ा अजीब सा है, इंदिरा गांधी जी, लोगों ने कंकर नहीं कहा, जिसने खून बहा दिया अपना, सतीश पूनिया जी को शोभा नहीं देता इंदिरा जी के ऊपर बयान देने की। आज मैं अटल जी के ऊपर बयान दूं, आज अटल जी हमारे बीच में नहीं, मुझे शोभा नहीं देता, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे जिस दिन मैं अटल जी के खिलाफ बोलूंगा। मैं नहीं बोलता कभी अटल जी या आडवाणी जी या भैरू सिंह जी के खिलाफ। तो आप इंदिरा जी का तो बलिदान है, सेक्रीफाइस है देश में, भाई आपके मोदी जी प्रधानमंत्री, अटल जी आपके प्रधानमंत्री है, तो वो हमारे भी सम्माननीय है। आप तो इंदिरा जी के बलिदान को, इंदिरा जी के नाम से योजनाएं नहीं आएगी तो किसके नाम से आएगी?
जो देश पर बलिदान हो गई, जिसने पाकिस्तान के टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया, जो आयरन लेडी के रूप में पूरी दुनिया जिनका सम्मान करती है, जो मां रहते हुए जिसने अपना खून बहा दिया, 24/3 की गोलियां लगी, कभी सतीश पुनिया ने कंकर भी खाया क्या देश के लिए? बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। और यही कारण जिम्मेदारी बढ़ गई प्रताप जी अब, क्योंकि लोकसभा चुनाव में करारी हार और एक अब बड़ी जीत होने जा रही है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है। नो डाउट, हम झुककर धन्यवाद देते हैं एक बार फिर। जनता ने जो मैंडेट दिया है, ये कांग्रेस पे भरोसा जताया, तो कांग्रेस पार्टी और ज्यादा झुककर खेत में, खलियान में, जनता की चौपाल में, सबके बीच में जाकर सबकी भावनाओं पर खड़ा उतरेगी, काम करेंगे, हाथ जोड़कर काम करेंगे, जनता को मालिक मानकर काम करेंगे। इस तरह की जनसुनवाई जो आप करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, उसका भी फायदा मिलता है? नो डाउट, जनता देख रही है। एक वो बीजेपी है जो राजस्थान की विधानसभा चुनाव हार गई, लेकिन घमंड इतना जनता से ना मिलते हैं, ना बात करते हैं, किसी आंदोलन में 100, 125, 150 से ऊपर भीड़ नहीं जुटा पाए। और बात बड़ी बड़ी फोटो खिंचाने की होड़ लगी हुई है नेताओं में, बीजेपी के नेताओं में बयान देने की होड़ लगी हुई है। कोई अशोक गहलोत जी के खिलाफ बोल रहा है, कोई मिस्टर पायलट के खिलाफ बोल रहा है, कोई राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहा है, कोई इंदिरा जी के खिलाफ, कोई नेहरू जी, कोई तो बिल्कुल। देखिए प्रताप सिंह खाचरियावास जी राजस्थान से जी न्यूज एक्सक्लूसिव बातचीत आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि सत्य की जीत हुई है, हम कभी भी अहंकार की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, बेहद जरूरी हो जाता है जनता की बात। ये बहुत करारा हमला था, मुझे लगता है कि बातों का श्रीमाली साहब जब आएंगे तो जवाब आपको देना होगा, क्योंकि अब तक इतना तेज प्रहार किसी ने नहीं किया था। जीत के बाद ये वाकई में बहुत बड़ा कटाक्ष है, ठीक है, और उनके नेतृत्व पर भी सवाल खड़े कर दिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े करते हुए नजर आए हैं। तो देखिए लगातार महाकवरेज हम आपको दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक के बाद आपको मेरे साथ आगे बढ़ाएंगे इस पूरे महाकवरेज को पूजा शर्मा। फिलहाल के लिए इतना ही, मेरे साथ नमस्कार।